हरे कृष्णा 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है कि धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 2.7 अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पक्षामित्वाम धर्म सम्मूढचेतः यत शेषात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ है कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हूँ, कृपया मुझे बताएं आगे क्या करना है। 2.11 श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासचे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम पंडित पूर्ण बातें करते हो फिर भी शोक करते हो। जो विद्वान होते हैं वो ना तो किसी के जीने पे और ना तो किसी के मरने पे शोक करते हैं। 2.12 श्री भगवान उवाच नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे व्ययमतः परम। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना तो मैं रहा हूँ और ना तो तुम रहे हो और ना तो ये समस्त राजा रहे हों और ऐसा कभी भविष्य में भी नहीं होगा। 2.13 श्री भगवान उवाच देहि नास्मिन् यथा देहे कौवारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति है धीरं तंत्र नमूहयति। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य बच्चे से जवान जवान से बूढ़ा होता है, उसी प्रकार शरीर के मारे जाने पर आत्मा पुराना शरीर त्याग के नए शरीर धारण करती है। जो विद्वान होता है वो इस परिवर्तन से मोह नहीं करता है। 2.14 श्री भगवान उवाच मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्या तामसी तिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिस प्रकार हमारे जीवन में गर्मी और सर्दी का मौसम आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख आता है और चला जाता है। मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख में समान भाव से रहे। 2.20 श्री भगवान उवाच न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना तो मृत्यु, वो ना तो कभी जन्मी थी, ना जन्म लेती है और ना जन्म लेगी। शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मरती है। 2.21 श्री भगवान उवाच वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाते अति हन्ति कम। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अगर कोई जानता है कि आत्मा अजन्मी नित्य शाश्वत और सबसे पुरानी है तो वो कैसे किसी को मार सकता है और किसी को मरवा सकता है। 2.22 श्री भगवान उवाच वासांसि जीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्नयानि संन्याति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर त्याग के नए शरीर धारण करती है।
2.23 श्री भगवान वाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मा ना तो शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल से भिगोई जा सकती है और ना वायु से सुखाई जा सकती है। 2.27 श्री भगवान उवाच जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यस्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। 2.30 श्री भगवान वाच देहि नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, शरीर के अंदर रहने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 2.40 श्री भगवान वाच नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातः। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस पथ पर चलने से किसी को कोई हानि नहीं होती है और कोई कुछ खोता भी नहीं है, बल्कि इस पथ पर थोड़ा सा भी चलने से किसी की भी एक महान संकट से रक्षा होती है। 2.41 श्री भगवान उवाच व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायनाम। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो इस पथ पर चलता है वो दृढ़ रहता है और उसका लक्ष्य भी एक होता है, और जो इस पथ पर नहीं चलता है वो दृढ़ नहीं रहता है और उसका लक्ष्य एक नहीं होता है। 2.44 श्री भगवान वाच भोगेश्वर्या प्रसक्तानां तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो लोग भौतिक ऐश्वर्य से मोह करते हैं उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं रहता।